अगर कोई व्यक्ति किसी की औरत को लेकर भाग गया हो या कि किसी की औरत किसी गैर मर्द के साथ भाग गई हो या कि कोई गायब हो गया हो, गुमशुदा हो गया हो और इन सब के मिलने की कोई सूरत नज़र ना आ रही हो, इनका मिलना बड़ा दुश्वार हो गया हो, तो इन सब की वापसी के लिए आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे बेहतरीन अमल से कराता हूँ कि जिसके इस्तेमाल से गायब हुआ व्यक्ति, गुमशुदा व्यक्ति जो है हाजिर हो जाता है, घर वापस आ जाता है और सही सलामत घर वापस आता है। ख़ास बात तो ये है कि ये अमल जो है आजमाया हुआ है और मुजर्रब अमल है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बताता हूँ आपको इस अमल के बारे में डिटेल से। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। मेरे पास कई सारे केसेज आए कि फलां की बीवी फलां के साथ भाग गई और फलां मर्द फलां की बीवी को लेके भाग गया, या कि कोई व्यक्ति जो है गायब हो गया है, गुमशुदा हो गया है और इनकी वापसी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है। तो ऐसे में जो है घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका जीना दुश्वार हो जाता है, दिन रात जो है उलझन परेशानी में गुजरते हैं। तो अगर किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई है, या कि किसी की बीवी कोई भगा के ले गया है, या कि कोई आदमी हो, चाहे औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, कोई भी हो, वो गायब हो गया हो, तो उसको घर वापस बुलाने के लिए ये अमल बेहतरीन अमल है और आजमाया हुआ है, मुजर्रब अमल है। तो आइए जानते हैं डिटेल के साथ कि इस अमल को कैसे, किस तरह से किया जाएगा भागी हुई की वापसी के लिए। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो नक्श है जो इस अमल में, इस उपाय में इस्तेमाल किया जाएगा भागी हुई की वापसी के लिए। तो ये जो है नक्श है, इस नक्श को आप देख लीजिए। और ये जो है नक्श भरने की चाल है, नक्श हो गया, नक्श को भरने की चाल हो गई। अब जो है आइए आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरीन जानकारी के लिए एक नक्श बनाकर आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इस नक्श को बनाएंगे और किस तरह से इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए आप और इस बात को समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस नक्श को कागज़ में बनाया है, लेकिन आपने क्या करना है कि जो शख्स, जो औरत गायब है, जिसको आपने वापस लाना है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, आपने उसके उतारे हुए कपड़े पर आपने ये नक्श बनाना है। उतारा हुआ कपड़ा, गैर धुला हुआ कपड़ा अगर नहीं मिलता है तो आपने उसका धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने उसी का कपड़ा इस्तेमाल करना है जिसको आपने वापस बुलाना है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। अब करना क्या है आपने कि उसके कपड़े से आपने एक टुकड़ा, एक पर्चा इसी तरह का फाड़ना है, कपड़े का हो, और उस कपड़े पे आपने इस नक्श को लिखना है। तो ये नक्श हो गया और ये नक्श भरने की चाल हो गई। तो आइए आपको बता देता हूँ कि नक्श के भरने की चाल को कैसे फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ 9 खानों का एक वर्गाकार बना लीजिए, कुछ इस तरह का, जो इस तरह बनेगा। वर्गाकार बनाने के बाद में आपने क्या करना है कि नक्श भरने की चाल को फॉलो करना है। अब नक्श भरने की चाल जो बता रही है वो सबसे पहले ये खाना भरा जाएगा, क्योंकि चाल में एक नंबर यहाँ पर है और नक्श में देखा जाएगा जो संख्या यहाँ पे है वही भरा जाएगा। तो चाल बता रही है एक नंबर से शुरू हो रही है चाल, तो यहाँ पे नक्श में एक नंबर है, तो एक नंबर यहाँ पे नक्श में भर लिया गया। अब चाल में दूसरे नंबर पे ये जो है संख्या है नक्श में, तो दूसरे नंबर पे दो है, तो दो भर लिया गया। चाल में देखेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सा खाना भरा जाएगा, तो ये खाना भरा जाएगा। अब नक्श में इस खाने में तीन है, तो यहाँ पे तीन भर लिया गया।
तीन भरने के बाद में अब नक्स देखा जाएगा, भरने की चाल देखी जाएगी। चाल बता रही है चौथे नंबर पर ये खाना भरा जाएगा, तो इस खाने में चार है तो चार यहाँ पे भर लिया गया नक्स में। चाल देखेंगे कि पाँचवें नंबर पे, तो पाँचवें नंबर पे यहाँ पाँच है नक्स में, तो यहाँ पे जो है पाँच भर लिया गया। छठे नंबर पे देखा जाएगा नक्स में कौन सी गिनती है, तो छठे नंबर पे यहाँ पे चौदह है नक्स में, तो चौदह यहाँ पे भर लिया जाएगा। अब जो है सातवें नंबर पे चाल बता रही है यह खाना भरा जाएगा, और इस खाने में पंद्रह है, तो यहाँ पे पंद्रह जो है भर लिया गया। अब जो है आठवें नंबर पे चाल बता रही है कि ये खाना भरा जाएगा, और इस नक्स के इस खाने में 16 है, तो यहाँ 16 भर लिया गया। अब नवें नंबर पर आखिर में जो है आपने क्या करना है कि जो फरार है, जो व्यक्ति जो है फरार है, जो औरत फरार है, भाग गई है, या कि कोई गुमशुदा हो गया है, गायब हो गया है, वापस आने की सूरत नज़र नहीं आ रही है, तो आपने उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जो भी व्यक्ति, औरत, बच्चा, जो भी गायब है, उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में बिन लगाना है मेल के लिए, और बिनते लगाना है फीमेल के लिए। ये जो है वल्दियत होती है, सन ऑफ डॉटर ऑफ होती है, तो सन ऑफ बिन होता है, डॉटर ऑफ बिनते होता है। तो अगर कोई मर्द है, मेल है, वो फरार है, तो उसका नाम हो गया बिन के बाद में उसकी माँ का नाम हो गया। अब कोई औरत फरार है, कोई फीमेल फरार है, तो उसका नाम हो गया, फिर उसकी बिनते लिखने के बाद में उसकी माँ का नाम हो गया। ये जो है इस प्रोसेस से इस नक्स को जो है भरा जाएगा, इस नक्स को बनाया जाएगा। और बनाना किस पे है, मैंने बताया आपको कि भागे हुए व्यक्ति के कपड़े पर आपने इसको लिखना है। उतारा हुआ कपड़ा हो, गैर धुला हुआ हो तो बेहतर है, अगर गैर धुला हुआ कपड़ा नहीं मिलता है तो आप धुले हुए कपड़े का, कपड़े से एक टुकड़ा निकालिए, पर्चा निकालिए इस तरह का, और उस पर जो है इस नक्स को लिखिए। इस नक्स को जो है लिखने के बाद में आपने क्या करना है कि इसकी जो है बत्ती बना लेना है। बत्ती जिस तरह का बाती होता है दिए में डालने की, जो रुई का कॉटन का बनाते हैं, उसी तरह का आपने जो है ये बत्ती बना लेना है। बत्ती बना लेने के बाद में आपने क्या करना है कि इसको सरसों के तेल में डिप कर लेना है। याद रहे, सरसों के तेल में सिर्फ डिप करना है, और उसको जो है एक चिराग लेना है आपने, एक दिया लेना है, उस दिए में रख देना है। दिए में रखने के बाद में आपने क्या करना है कि उसमें आग लगा देना है। अब इस अमल को आपने कहाँ पे करना है, ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस अमल को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने इस चिराग को, इस तावीज़ को, यानी इस नक्श को जलाना है वहाँ पे, चौराहे पर जलाना है जहाँ पे चार रास्ते आपस में आके मिलते हों। वो चौराहा कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है, आपके गांव के किनारे का हो सकता है, या कि जो है कहीं बाहर हो सकता है, कहीं भी आप खेतों की पगडंडी इस्तेमाल कर सकते हैं, चक्रोट इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी मोटी सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि चौराहा हो, चार रास्ते वहाँ आके मिलते हों। तो उस चौराहे पे आप जो है दिया रखिए, और सरसों के तेल में डिप करके ये नक्श बना के आप उस चिराग में रखिए। चिराग में रखने के बाद में आप इसमें आग लगा दीजिए, चिराग जलता रहेगा। अब जब चिराग जलता रहे तो आपने क्या करना है कि चिराग जलता, चिराग में आग लगाने के बाद में जब चिराग जलने लगे, फलीता जलने लगे, तो आपने जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 551 टाइम्स पढ़ना है। 551 मरतबा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। शुरू में और आखिर में आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बीच में 551 मरतबा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। जब आप 551 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, तो फलीता ये जो नक्स है पूरा जल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, पूरा जला दीजिए, और 551 मरतबा ये इसमें आजम ये आयते आयत जो है आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद में चिराग को चौराहे से बंद करें और अपने साथ लेके आएं, और किसी ऊंची जगह पे रख दें। इसी तरह से आपने 14 दिनों तक लगातार करना है, कंटिन्यू करना है।
इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है और कब शुरू करना है उसकी कोई पाबंदी नहीं है और परहेज जमाली और जलाली की भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये अमल के लिए काफ़ी अच्छा होगा और कामयाबी की सूरत बढ़ जाती है। तो तर्क जमाली और जलाली के साथ आप करें तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसको जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस चौराहे पे आपने पहले दिन किया है उसी चौराहे पे आपने 14 दिन तक लगातार करना है, और जिस वक्त आपने पहले दिन किया है उसी वक्त आपने 14 दिनों तक लगातार करना है। आप जो है 14 दिनों तक ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह तबारक व तआला 14 दिनों के अंदर अंदर या 14 दिनों तक जो गायब है, अगर कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है या कोई मर्द किसी की औरत को भगा ले गया है या कि जो है कोई ऐसा शख्स है या कोई औरत है जो भाग गई है या कि गुमशुदा हो गई है, गायब हो गई है, उसकी आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो 14 दिन में किसी न किसी सूरत में गिरते पड़ते इधर उधर किसी भी तरह से जो है वो घर आएगा और ज़रूर आएगा। जब वो घर आ जाए तो आप जो है सदका कर दीजिए, क्योंकि सदका करना जो है बड़ी अच्छी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।